अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। साथियों, मैं आपको पढ़ा रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो गई एओ ह्यूम के द्वारा, और सारे अधिवेशनों को हमने दो पार्ट में बताने के लिए कहा था, जिसमें से एक पार्ट हमने बताया था। और 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो उदारवादी चरण है, हमने तीन चरण आपको बताए थे, उदारवादी चरण 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, उसके बाद में 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक उग्रवादी चरण, और फिर 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, जब तक भारत की आजादी हुई, स्वतंत्रता हमको मिली, तब तक गांधीवादी युग। तो हम आपको बता रहे थे 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक उदारवादी चरण। तो उदारवादी चरण हमने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि उदारवादी चरण में जो जितने भी नेता थे सभी लोग अनुनय, सविनय, निवेदन और प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त वो और कुछ नहीं करना चाहते थे। वो ये समझते थे कि अंग्रेज हमारी बातों को मानेंगे, इस तरह से सम्मान हम उनको देंगे तो हमारा विकास करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि जो भी कांग्रेस के अधिवेशन होने लगे 1885 के बाद से, हर वर्ष होने लगे, और लगभग लगभग महत्वपूर्ण अधिवेशनों को हमने दो पार्ट में किया, जिसमें से एक पार्ट आपको बताया। अब हम आते हैं उदारवादी चरण, यानी 1905 से लेकर के 1919 तक। तो उदारवादी चरण पे आने से पहले साथियों, एक चीज ये भी देखना जरूरी है कि जो उग्रवादी चरण पे आने से पहले एक बात ये भी जानना जरूरी है कि जब उदारवादी चरण का समय था, जब उदारवादी चरण का काल था 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, उस काल में कुछ और घटनाएं भी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। अधिवेशन तो हुए ही हैं, तो अधिवेशनों को तो हमने बताया, और भी अधिवेशन जो हुए हैं उनको आगे हम बताएंगे। लेकिन ये भी एक पक्ष है कि 1885 से लेकर के 1905 के बीच में और क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए हम उन घटनाओं को आपको बताएंगे। चूंकि उदारवादी चरण जब चल रहा था, तो उनमें से कुछ नेता ऐसे थे जो उग्रवादी किस्म के थे, तो उनमें नाम आता है लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीन नेताओं का नाम आता है। तो चूंकि वो ये समझते थे, पहले से वो जानते थे कि अंग्रेज सविनय और निवेदन से और प्रार्थना पत्र से कुछ नहीं करने वाले हैं, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और हुआ भी नहीं। हमने बताया था कि क्या सफलता मिली है उस दिन, पिछले क्लास में आप लोगों ने ना देखा हो साथियों तो प्लेलिस्ट में जा करके हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फोल्डर को खोलेंगे तो उसमें वीडियो मिलेगा जो भी पुराना हमने पढ़ाया है। तो हम ये कह रहे थे कि जो लाल बाल और पाल तीन जो नेता थे उग्रवादी किस्म के, इन लोगों को पहले से पता था कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये चूंकि उदारवादी जो नेता थे उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए जितना दिन तक उदारवादी समय चला उतना दिन तक चला, उसके बाद उग्रवादी जो नेता थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 1905 के बाद से उन्होंने उग्रवादी चरण अपना चालू कर दिया। अब देखिए कि जो जरूरी चीजें हुई हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं उदारवादी चरण ने, वो देखिए। बाल गंगाधर तिलक चूंकि उग्रवादी एक नेता माने जाते हैं, तो उन्होंने अपने हिंदुत्व की पहचान के लिए, 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में, याद रखिएगा 1893 ईस्वी में, नीचे दिख रहा है साथियों कि नहीं, 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव स्टार्ट किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है।
तो हमने बताया था आपको कि बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में और शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र में शुरुआत की। गणपति महोत्सव की शुरुआत 1893 में की और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में की। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये दोनों चीजें हो गई 1893 और 1895। बिल्कुल ध्यान रखिएगा साथियों, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव स्टार्ट किया और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया, कहां? महाराष्ट्र में। उसके बाद अब यहां से कुछ हल्का हल्का धीरे धीरे उग्रवादी चरण दिखने लगा, दर्शाने लगे, ये दिखने लगा इनके अंदर। उसके बाद देखिए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के चित्पावन ने, महाराष्ट्र के चित्पावन एक ब्राह्मण थे, उन्होंने 1897 में डब्ल्यू सी रैंड, एक अंग्रेज अधिकारी था, तो डब्ल्यू सी रैंड की हत्या कर दी। और किसने की? दो भाइयों ने जिन्हें कहा जाता है चापेकर बंधु, उनका नाम देख लीजिए, एक का नाम था दामोदर चापेकर और एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर, तो इनको कहा जाता है चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं ने जो रैंड था डब्ल्यू सी रैंड, उनकी हत्या कर दी, ठीक है, 1897 में। तब से थोड़ा सा उग्रवादी आंदोलन बढ़ने लगा। अब चूंकि 1905 करीब था तो अब उग्रवादी आंदोलन बढ़ते बढ़ते 1905 तक एकदम चरम पर आ गया था। अब मैं बताता हूं अभी इसके पीछे की पृष्ठभूमि। इसके बाद 1905 के पहले जो भी घटनाएं हुई हैं वो एक बार देख लीजिए आप। तो 1897 में चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अधिकारी जो था डब्ल्यू सी रैंड, इसकी हत्या कर दी। तो एक तो ये हो गया महत्वपूर्ण घटना, चापेकर बंधु में दो भाई आते हैं, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, तो इन दोनों ने मिलकर डब्ल्यू सी रैंड की हत्या कर दी। और उधर बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की स्टार्ट महाराष्ट्र में कर दी। उसके बाद में चापेकर बंधुओं ने डब्ल्यू सी रैंड की हत्या कर दी 1897 में। फिर देखिए अरविंद घोष, वारिंद घोष और भूपेंद्र दत्त चट्टोपाध्याय, ये तीन लोगों ने एक पत्रिका का संपादन किया। उस पत्रिका का नाम क्या था? युगांतर। पेपर में पूछता है कि युगांतर पत्रिका संपादन किसने किया, तो तीनों नाम कभी कभी देता है लेकिन ज्यादातर अरविंद घोष और वारिंद घोष का नाम देता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो युगांतर पत्रिका थी वो अरविंद घोष, वारिंद घोष और भूपेंद्र दत्त चट्टोपाध्याय तीनों ने इसका संपादन किया था। एक ये महत्वपूर्ण घटना हो गई, एक महत्वपूर्ण घटना ये हो गई 1897 में चापेकर बंधुओं ने डब्ल्यू सी रैंड की हत्या कर दी, और एक घटना ये हुई थी गणपति महोत्सव 1893 में, शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। अब तीसरी घटना, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने क्या किया? मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। पूछा जाता है कि वंदे मातरम पत्र का संपादन किन्होंने किया, तो चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें एक रहता है मैडम भीकाजी कामा। तो एक ये महत्वपूर्ण घटना हो गई, ठीक। तीसरी घटना देखिए, महाराष्ट्र में वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, ये ध्यान रखिएगा, वीडी सावरकर तो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, आप लोग जानते होंगे, और गणेश सावरकर भी। तो वीडी सावरकर और गणेश सावरकर इन दोनों ने क्या किया, दोनों भाई थे, 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की। क्या? अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है, कई बार अनगिनत बार पूछा गया है कि अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की, तो वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, ये दोनों लोग भाई थे। तो कुछ ये घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 1905 आने से पहले, हम इन पर चर्चा इसलिए कर लेंगे क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं।
तो फिर एक बार हम रिवाइज करते हैं। 1893 में, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का आयोजन शुरू कर दिया, और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव शुरू कर दिया, और फिर 1897 ईस्वी में चापेकर बंधु दो थे, उन्होंने 1897 ईस्वी में WC रैंड की हत्या कर दी, और दोनों चापेकर बंधु जो थे उनका नाम देख लीजिए, दामोदर दास चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। तीसरी घटना, अरविंद घोष, वारिन घोष और भूपेंद्र दत्त चट्टोपाध्याय, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, युगांतर पत्रिका का संपादन किया। ये तीसरी घटना है। चौथी घटना, मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। ये चौथी घटना है। पांचवी घटना, महाराष्ट्र में VD सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर, इन दोनों ने मिल करके, दोनों भाई थे, दोनों ने मिल करके 1904 में अभिनव भारत नामक एक संगठन की स्थापना की। तो ये इतने महत्वपूर्ण थे ये कि हमको बताना ही पड़ा। अब हम आएंगे कहां, उग्रवादी चरण पे। 1905 से तो उग्रवादी चरण भाइयों दोस्तों ऐसे शुरू हुआ, देखिए कि जो भी उदारवादी के नेता थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, हमने उस दिन आपको बताया था, मदन मोहन मालवीय और दादा भाई नौरोजी, इन सब नामों को हमने आपको बताया था उस दिन। तो ये थे उदारवादी चरण के नेता। तो इन नेताओं का काम यही था कि जब स्थापना हो गई कांग्रेस की, तो इन नेताओं का काम यही था कि एप्लीकेशन लिखें, हाथ जोड़ें, विनती करें, एक जो है निवेदन करें कि ऐसे ऐसे हमारा हो गया, हमारा ये काम करिए और भारत के विकास करिए। तो इस निवेदन से काम नहीं चलने वाला था। ये कुछ नेता उनमें से जो उग्रवादी प्रवृत्ति के थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन जो तीनों नेता थे, ये समझते थे, ये जानते थे पहले से कि निवेदन से और सविनय से और पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। तब इन्होंने कुछ अपना उग्रवादी चरण, जैसे हमने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है महाराष्ट्र में हिंदुत्व की पहचान के लिए 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू कर दिया। और घटनाएं सुनिए, उस समय जो है एक अकाल पड़ा था भारत में, अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में दूसरा दिल्ली दरबार बुलाया गया 1903 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में बुलाया गया और उसमें अथा पैसा खर्चा किया गया। तो अब अथा पैसा खर्चा किया बेफालतू का, वो भारत का पैसा था, उनका पैसा नहीं था। तो अब जो उग्रवादी चरण के नेता थे उनको बुरा लगा, उनको बुरा लगा, और फिर 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया। तो अंग्रेजों की कुछ ऐसी करतूतें आई सामने 1905 तक कि उग्रवादी चरण एकदम आक्रामक हो गया, क्योंकि अकाल जब पड़ा तो 1900 में शायद अकाल पड़ा जब, तो बहुत सारे लोगों की जान माल की हत्या हो गई, और उसमें अंग्रेज लोग दिल्ली दरबार बुलाए 1903 में और अथा पैसा खर्चा किए, मदद बिल्कुल नहीं किए भारतीयों की। तो एक तो वो कारण था, दूसरा कारण ये था कि जो है 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक लीटर ने चालू किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उनमें भारतीय जो प्रेस थे उनको बंद करवा दिया। एक ये भी घटना थी, और एक घटना ये भी थी 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया करजन द्वारा, हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया गया, एक ये भी घटना थी। तो तमाम ऐसी घटनाएं थी जिनकी वजह से ये उग्रवादी चरण बढ़ता चला गया। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल में इसी विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, बंग भंग आंदोलन। और हमने बताया था कि बंग भंग आंदोलन में वाराणसी में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया, और उस वाराणसी के अधिवेशन इसका बंग भंग आंदोलन का सपोर्ट किया। तो जब उग्रवादी चरण शुरू हो गया 1905 से लेकर, साथियों 1905 से उग्रवादी चरण शुरू हो गया,
तो उग्रवादी चरण के जो नेता उभर कर आए उनमें मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाल पतराय और विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ये उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता ये उग्रवादी नेता की श्रेणी में उभर कर आए। ये तीनों लोग उग्रवादी नेता की श्रेणी में उभर कर आए। अब उग्रवाद को जन्म देने का कारण बहुत सारा कारण था, जैसा कि हमने बताया कि 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के द्वारा, भारतीय प्रेस को बंद कर दिया गया था, एक तो वो भी कारण था। 1900 में जो अकाल आया भारत में, अकाल, उनमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं करी। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार उन्होंने बुलाया और बहुत सारा भारतीय पैसा खर्चा किया, दूसरा कारण। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया गया, तीसरा कारण। और उसी समय 1897 में जो चापेकर बंधु थे उन दोनों लोगों ने मिलकर के डब्ल्यू सी रैन की हत्या कर दी, इन सब कारणों से, चौथा कारण। उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में और 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव चालू किया। तो बहुत सारे कारण थे उग्रवादी चरण को उभर कर सामने आने के लिए, बहुत सारे कारण थे। और इनके अलावा कुछ एक घटनाएं, एक आध घटनाएं और हैं। इथियोपिया द्वारा इटली पराजित हुआ 1895 और 96 में, देखते रहिए। दूसरा जापान, जापान द्वारा रूस पराजित हुआ, पराजित जापान द्वारा रूस पराजित हुआ कब? 1904 और 1905 में, ठीक। इसी में देखते रहिए, इसी यहीं से निकल कर आएगा राष्ट्र, राष्ट्रवाद की भावना, और तभी उग्रवादी चरण और मजबूत होगा। और देखिए इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाले जन आंदोलन, इसके अलावा चीन, तुर्की में बड़ा जन आंदोलन, इन्हीं सब कारणों की वजह से बहुत जो है एकदम से त्रस्त हो गए थे उग्रवादी नेता, और इन्होंने उग्रवाद को एक नया रूप मजबूत उभार कर सामने ये लेके आए। वहीं से हो गया उग्रवादी आंदोलन बिल्कुल शुरू, जिनमें नेता उभर कर आए कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। अब आगे की कहानी सुनिए, इनकी विचारधारा और इनकी कार्य पद्धति देखिए, इनकी विचारधारा और कार्य पद्धति। विचारधारा व कार्य पद्धति, जो उग्रवादी चरण के नेता थे, जैसा कि हमने तीन नाम बताया जो मुख्य हैं, ये अंग्रेजी नीति से बिल्कुल नफरत करते थे, अंग्रेजी नीति से बिल्कुल नफरत करते थे। इन्होंने बिल्कुल ठान लिया था
कि स्वशासन होना बहुत ही जरूरी है। इन्होंने बिल्कुल ठान लिया कि अब तो बिल्कुल स्वशासन चाहिए। इनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयासों से संभव है और स्वशासन से संभव है, ठीक है। और तभी तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जैसा कि कल हमने बताया था आपको, जब अधिवेशन बता रहे थे तो एक अधिवेशन था, उसमें हमने बताया था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये उग्रवादी नेता थे ये, और इन्होंने ये ठान लिया, उग्रवादी जो तीन चार जो मुख्य नेता थे, उन्होंने ये ठान लिया कि अब बिल्कुल स्वशासन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे मैं बोल रहा हूँ साथियों, लिखते चलिए। इसी में उग्रवादी नेताओं ने, जो उग्रवादी किस्म के नेता थे, उन्होंने बिल्कुल जो विदेशी सरोसामान थे उनको बहिष्कार कर दिया और स्वदेशी पर बल दिया, स्वदेशी पर उन्होंने बल दिया। इसी में उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान के लिए 1893 में और 1895 में महाराष्ट्र में गणपति पूजा और गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कर दी। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। किसने बनाई? सर गुरदास बनर्जी ने, गुरदास बनर्जी ने कौन सी संस्था बनाई? बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। की स्थापना की गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई प्रतिबंधक, पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए व विभिन्न सहकारी संगठन, स्वदेशी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए। तो इनका जो विचारधारा थी इनकी, उग्रवादी किस्म की थी। इनकी कार्य पद्धति कैसी थी? बिल्कुल उग्रवादी किस्म की थी। जैसा कि हमने बताया कि हिंदुत्व की पहचान के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 1893-1895 में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया। उसी क्रम में गुरुदास बनर्जी ने क्या किया? बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी। उसी क्रम में चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था। तो तमाम घटनाएं हुई। अब आगे आगे देखिए, फिर 1905 में बंगाल विभाजन करा दिया अंग्रेजों ने, करजन का नाम आता है बंगाल विभाजन में। 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद से बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया, बंगाल में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। तो 1905, अब हम आपको बताएंगे 1905 बंगाल विभाजन किसके द्वारा? करजन द्वारा। तो बंगाल विभाजन 1905, कल से टॉपिक शुरू करेंगे साथियों। 1905 से लेकर के 1919 के बीच जितनी भी घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आती रहती हैं, उन सारी घटनाओं को स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट हम बताते चले जाएंगे और लिखवाते चले जाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद साथियों।